Welcome back, friends. Welcome to another video of Simple Pharma Basics, that is on the topic diuretics. Before moving further with diuretics, I would like to suggest you all to go through my previous video of physiology of urine formation so that you will be more clear about what are the diuretics and how they work. So हम पहले ये जान लेते हैं कि डायूरेटिक्स होते क्या हैं। तो डायूरेटिक्स वो एजेंट्स है, वो ड्रग है जो हम यूज करते हैं तब जब बॉडी में फ्लूइड का वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है या फिर जो किडनीज है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करती है टू कैरी आउट द एफिशिएंट एक्सक्रीशन। तो डायूरेटिक्स क्या करते हैं? डायूरेटिक्स जो है वो सोडियम और वॉटर का रीएब्जॉर्प्शन रोकते हैं ताकि उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है ब्लड में वो ज्यादा इंक्रीज ना हो और बॉडी में जो फ्लूइड है वो ज्यादा इंक्रीज ना हो, क्योंकि अगर बॉडी में फ्लूइड इंक्रीज होता है तो आगे जाके वो हाइपरटेंशन या फिर बॉडी में एडिमा भी कॉज कर सकता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि बॉडी का फ्लूइड वॉल्यूम मेंटेन रहे। डायूरेटिक्स के साथ में डायूरेटिक्स को नेट्री यूरेटिक्स भी कहते हैं, क्योंकि डायूरेटिक्स मेनली जो फोकस करते हैं वो सोडियम के एक्सक्रीशन पे है। इसी के साथ में कुछ जो और टर्मिनोलॉजीज है वो है कैल्सी यूरेटिक्स वो एजेंट्स है जो कैल्शियम का एक्सक्रीशन बढ़ाते हैं। देन कैल्यूरेटिक्स कॉजेज द एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम। इनके इनिशियल वर्ड से ही हमें समझ में आता है, अगर आप देखोगे तो साल यूरेटिक्स कॉजेज एक्सक्रीशन ऑफ सॉल्ट्स या NaCl बोल लो आप। देन क्लोरयूरेटिक्स विच कॉजेज एक्सक्रीशन ऑफ क्लोराइड। तो ये जो है ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो कि डायूरेटिक्स से रिलेटेड है। तो बिफोर मूविंग फर्दर विथ डायूरेटिक्स क्लासिफिकेशन, मैं ये बता दूं कि कुछ बुक्स में जो क्लासिफिकेशन है वो अकॉर्डिंग टू द इफिकेसी ऑफ ड्रग्स है, जैसे कि हाई इफिकेसी डायूरेटिक्स, लो इफिकेसी डायूरेटिक्स एंड मीडियम इफिकेसी डायूरेटिक्स। लेकिन मैं जो यहाँ कवर करने वाली हूँ वो अकॉर्डिंग टू देयर साइट ऑफ एक्शन है, ताकि आपको जनरल जो नॉर्मल एक्शन होती है रीएब्जॉर्प्शन की वो भी समझ आ जाए और जो हमारे ड्रग्स की एक्शन है वो भी समझ आ जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं ये आपको बता देना चाहती हूँ कि जो मेरा तरीका है फार्माकोलॉजी पढ़ने का वो ऐसा है कि मैं जो है डायरेक्ट जहां पे हमारा ड्रग काम करने वाला होता है उस साइट को मैं अपने आंखों के सामने इमेजिन कर लेती हूँ, ताकि मुझे पूरा जो ड्रग है और वो कैसे काम करने वाला है अपनी साइट पे वो पूरा विजुअलाइज हो। तो मैं आपको भी यही रिकमेंड करूंगी कि आप भी जो है एक नेफ्रॉन जो है उसको इमेजिन कर लो और नेफ्रॉन पे ही हमारे ड्रग्स काम करने वाले हैं, ताकि आपको उसका पूरा इमेजिनेशन विजुअलाइज हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्लास है अकॉर्डिंग टू साइट वन, वो डायूरेटिक्स जो साइट वन पे एक्ट करेंगे, और साइट वन है पीसीटी। ये सारे नेफ्रॉन के पार्ट्स है। पीसीटी मीन्स आपको पता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो नेफ्रॉन होता है इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन पूरा मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर किया है। इस तरह का जो हमारा नेफ्रॉन होता है यहाँ पे, ये हो गया पीसीटी एंड दिस इज द डीसीटी। सो हियर इज द फर्स्ट साइट। अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन ले और देखे तो इसमें कुछ इस तरह की सेल्स होती है जिनमें कुछ स्पेशल टाइप के एंजाइम्स होते हैं, कुछ सेल्स में स्पेशल टाइप के ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो कि अलाउ करते हैं आयंस के माइग्रेशन को। तो अगर हम इसका पार्टीशन करें और इसे कंसीडर करें तो इधर हो गई आपकी ब्लड वाली साइट जहां से ब्लड फ्लो हो रहा है कैपिलरीज थ्रू, और ये है ल्यूमेन साइट जो कि ट्यूब्यूल के अंदर की साइट है। ब्लड को आप एंटी ल्यूमेन साइट भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे होता क्या है कि जैसे कि हमारा एम है कि हमें सोडियम और वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को रोकना है, तो पहले हम ये देखेंगे कि सोडियम
रीअब्सॉर्ब होता कैसे है और कहाँ से है। पहले तो सबसे मेन जो है वो है सोडियम रीअब्सॉर्ब होता है बाइकार्बोनेट्स के साथ, और इन दोनों के रीअब्सॉर्प्शन के को असिस्ट करता है कार्बोनिक अनहाइड्रेस। और एक चीज में इनमें बता दूं कि ये जो प्रोसीजर है वो सेल्फ इनहिबिटरी है, मतलब अगर सोडियम आयन्स या बाइकार्बोनेट्स में से किसी एक का भी डिसबैलेंस हो तो ये प्रोसीजर खुद ही रुक जाती है। देन सोडियम माइग्रेट करता है विथ अमीनो एसिड्स। हमने देखा है पहले के वीडियो में कि अमीनो एसिड्स भी जो है फिल्टर होके ग्लोमेरुलर फिल्टर में फिल्ट्रेट में आते हैं। देन सोडियम ऑल्सो माइग्रेट्स विथ ग्लूकोज, और ये जो माइग्रेशन है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होता है सोडियम और ग्लूकोज का। देन सोडियम ऑल्सो माइग्रेट्स विथ फॉस्फरस एंड क्लोराइड आयन्स माइग्रेट्स पैरासेलुलरली, मीन्स जो दो सेल्स के बीच में की जो स्पेस है उसके थ्रू क्लोराइड आयन्स अंदर आते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि हमारा ड्रग क्या करता है। साइट वन पे एक्ट करने वाले जो ड्रग है उनका एग्जाम्पल है एसिटाजोलामाइड। एसिटाजोलामाइड जो है वो कार्बोनिक अनहाइड्रेस पे बाइंड होता है रिवर्सिबली एंड नॉन कॉम्पिटिटिवली। तो जीपैट में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एसिटाजोलामाइड जो ड्रग है वो कार्बोनिक अनहाइड्रेस को कैसे बाइंड होता है। तो कार्बोनिक अनहाइड्रेस को एसिटाजोलामाइड जो है वो नॉन कॉम्पिटिटिवली एंड रिवर्सिबली बाइंड होता है। देन व्हेन इट गेट्स बाइंड टू द कार्बोनिक अनहाइड्रेस इट कॉजेस इनहिबिशन ऑफ कार्बोनिक अनहाइड्रेस। और जैसे कि हमने पहले देखा है कि कार्बोनिक अनहाइड्रेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम इनटू ब्लड। अब जैसे कि कार्बोनिक अनहाइड्रेस एंजाइम ही नहीं रहा तो सोडियम भी रीअब्सॉर्ब नहीं होगा। तो और जो साइट वन के पे एक्ट करने वाले डायूरेटिक्स है इनको हम लो एफिकेसी डायूरेटिक्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ देखा कि सोडियम को एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे पास में 3 से 4 मैकेनिज्म है जो कि साइट वन के थ्रू होते हैं, और लेकिन जो हमारा ड्रग है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही मैकेनिज्म को इनहिबिट कर पा रहा है, इसीलिए इनकी जो इफिकेसी है वो बहुत लो है। तो इस टाइप के ड्रग्स को हम सिर्फ और सिर्फ ग्लाउकोमा में यूज करते हैं। इन्हें हम कभी भी एज अ थेरेपी इन द एज अ डायूरेटिक्स बोल के थेरेपी में हम नहीं देते हैं, और ना ही हम इन्हें हाइपरटेंशन में प्रिस्क्राइब करते हैं क्योंकि ये लो इफिकेसी डायूरेटिक्स है।